Hello friends, my name is Akshay Mantri, a recently qualified chartered accountant. If you have started your CA final or intermediate study, so it's very good. If you have not started, then don't worry. My CA final study plan for 90 days will help you to clear your CA final or CA intermediate exams. In this video, I am going to share with you all my CA final study plan for 90 days. How I did my CA final study revision in 90 days with two revisions. So, without wasting your time, let's begin to the video. हमारे CA final और CA intermediate में total 8 subjects आते हैं। तो हमको जो है हर subject को maximum 8 days देने हैं। उससे ज़्यादा हम किसी भी subject को नहीं देंगे। 8 days for 8 subjects, right? Then अगर समझो आप एक दिन में एक subject करते हैं, तो अगर आप एक दिन में दो subjects की पढ़ाई करते हैं, तो आपको total 16 days के अंदर उस subject, उन दोनों subjects को जो है खत्म कर देना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक थ्योरी सब्जेक्ट लीजिएगा और आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लीजिए, जो कि मैं जनरली प्रिफर करता था, सो दैट हमारा जो है डे का बैलेंस हो जाए, हमें दिन भर हेक्टिक भी फील ना हो और हम अच्छे से हमारी पढ़ाई क्लियर कर ले। मैक्सिमम हमको एक सब्जेक्ट को 8 डेज के अकॉर्डिंग ही सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, और अगर हम 8 डेज के पहले ही उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं तो इट इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगर हम एक 8 दिन देते हैं 8 सब्जेक्ट को, तो हमारे टोटल 64 डेज हो जाते हैं। उसके बाद हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि चलो 6 डेज जो है वो आपको हमने हॉलीडे बोल के दे दिए, या फिर किसी आपको कोई प्रोग्राम में जाना था, आपका मूड पढ़ाई का नहीं था, या फिर कोई हेल्थ इश्यू आने की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ऐसे हम 6 डेज यहां पर कंसीडर करते हैं। तो टोटल हमारे यहां पर खत्म हो जाते हैं 70 डेज। कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको किसी सब्जेक्ट में एग्जम्पशन होगा, तो हम यहां पर जो है एक सब्जेक्ट के लिए 8 दिन के बजाय 10 दिन भी दे सकते हैं, 10 डेज अ सब्जेक्ट। सो ऐसे हमारे जो है सभी सब्जेक्ट जो है, अगर समझो आपको एक पेपर में एग्जम्पशन है या फिर आपको दो पेपर में एग्जम्पशन है, तो आप पर डे 10 डेज देकर उसको आप 60 डेज या 70 डेज में जो है कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन से ज्यादा भी आपको नहीं देने हैं अगर आपको एग्जम्पशन है फिर भी। सो आपको फर्स्ट रिवीजन में करना क्या है? आपको फर्स्ट रिवीजन में आपको उस चैप्टर की थ्योरी रीडिंग पूरी कर लेनी है, वो आप आपके नोट्स वगैरह से पढ़ सकते हो। आपको अगर रिक्वायर्ड है तो उन चैप्टर्स के लिए रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो आप रिवीजन वीडियोस प्रीफर कीजिए, वरना आप खुद से ही रीड कर लीजिए तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देन आपको करना है क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चंस देखने हैं स्टडी मटेरियल से, एमटीपीस के क्वेश्चंस, आरटीपीस के क्वेश्चंस और एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चन। इन शॉर्ट आपको आईसीआई का सारा जो भी मटेरियल पब्लिश किया हुआ है वो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप नवंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर देखते हो तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे वो आईसीआई ने उनके जो भी पब्लिश्ड मटेरियल है उससे ही कॉपी किए हुए क्वेश्चंस थे, और उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस कर दिया था, कुछ एडिशन डिलीशंस कर दिए, और उन्होंने वैसे की ही पेपर वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चंस उनके एग्जाम में दिखाई दिए थे। सो ऐसे आपका जो है 70 डेज 60-70 डेज में आपका फर्स्ट रिवीजन जो है वो हो जाना चाहिए। सो 90 डेज में से 70 डेज आपके फर्स्ट रिवीजन को जाएंगे, और जो 20 डेज रिमेनिंग है उसमें आपको आपका सेकेंड रिवीजन जो है वो कंप्लीट करना है। सेकेंड रिवीजन में आपको क्या करना है? सेकेंड रिवीजन में आपको हर सब्जेक्ट को 2 दिन देने हैं, 2 डेज अ सब्जेक्ट। जैसे कि हमारे एग्जाम के बीच में भी हमको 1.5 दिन का टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, पूरा रिवीजन कंप्लीट करने के लिए, वैसे ही हम हमारे सेकेंड रिवीजन में करने वाले हैं। सेकेंड रिवीजन में हम 2 दिन के अंदर हमारा सारा सब्जेक्ट जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, इससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें एग्जाम के पहले कौन सी चीज पढ़नी है, किस चीज पे ध्यान देना है, किस चीज को इग्नोर करना है, और हम कैसे 2 दिन के अंदर हमारा सारा सब्जेक्ट जो है वो रीड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वो हमें देखना है। सो यू हैव टू प्लान दैट हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस इन 2 डेज, और आपको इन 2 दिन के अंदर जो आपको रिवीजन करना है सेकेंड वाला, उसमें आपको प्लान कर लेना है कि आप एग्जाम के पहले वाले जो 1.5 दिन आपको मिलने वाला है उसमें आप आपकी कैसे पढ़ाई करने वाले हो। मैं आपके इस पे आगे वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे आपको 2 दिन के अंदर आपका सारा सब्जेक्ट जो है वो कवर कर लेना है, मैंने कैसे 2 दिन के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट को कवर किया था, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी पढ़ाई करने के लिए, वो मैं जल्दी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोज का अपडेट भी मिलता रहेगा। सेकेंड रिविजन जो है वो आपका 14 डेज में खत्म हो जाएगा।
राइट right. तो उसके बाद में हम यहाँ पर एक दिन के छुट्टी ले लेते हैं यार, इतनी पढ़ाई करने के बाद में ब्रेक होना जरूरी है राइट right? तो एक दिन के यहाँ पर हम हॉलीडे ले लेंगे। उसके बाद में हमारे पास बच जाते हैं फाइनल। अब शुरू होता है सीए फाइनल एग्जाम का मेन तैयारी। देन आपको करना है फर्स्ट पेपर की तैयारी को स्टार्ट। एफआर का पेपर बहुत लेंदी होता है, एफआर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको फर्स्ट पेपर के लिए अच्छे से अच्छे से पढ़ाई करके जानी है, जिससे कि आपका फर्स्ट पेपर अच्छा जाए और आपका मोटिवेशन भी बना रहे, आप कॉन्फिडेंट रहो ठीक है। तो आपको जो है एफआर को देने हैं मिनिमम 4 to 5 days, जो कि मैंने भी दिए थे। मिनिमम 4 to 5 days में आपका जो है एफआर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा राइट। और उसके बाद में आपको हर रोज 1.5 दिन 2 दिन मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपको आपका पूरा सब्जेक्ट कवर करना है जैसे आपने स्ट्रेटेजी बनाई है। सो गाइज, आई थिंक आपको इस वीडियो से वैल्यू एडिशन मिला होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर सीए फाइनल स्टडीज एंड मिलते हैं बहुत जल्द। अब की बार मे पार, अब की बार मे पार। बाय बाय, टेक केयर।